आई है। जब मैं आया तो मैं नशे करता था, बोलो क्या है? जब मैं आया तो मैं बड़े नशे करता था, आपको नहीं पता मैं बहुत ज्यादा नशा करता था। हाँ, शैतान ने मुझे इस रीति से इस्तेमाल किया, मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं ऐसे नशे करता हूं इतने। कहते मेरी बात समझ रहे हैं? पर मैं जो अपनी धार्मिकता करता था वहां पे, मैं रात को रोज 2-3 बजे जब मुझे नशे से होश आती थी रोज जाता था। कितनी बात समझ रहे? रोज जाता था, कई साल तक जाता रहा। और जब भी होश आती थी नशे से, मैं खड़े होकर ऐसे मांगता था, हाँ परमात्मा मैं चौंदा नहीं करना, पता नहीं मैं क्यों करता हूं, मैं चांदा नहीं करना। दिन चढ़ता था, सुबह होती थी, फिर वही आ। पर एक दिन यीशु का नाम मेरे पास आया। किसका नाम आया? एक दिन यीशु का नाम मेरे पास आया, किसी ने यीशु के बारे में मुझे बताया। जब उसने बताया मुझे, मैंने पहले भी आपको गवाही दी कि मैंने क्वेश्चन पुट किया। जब उसने कहा ये पाप, तो मैंने कहा शायद मैं नशे करता हूं इसलिए ये पाप कर रहे हैं। पर वो तो पाप किसको बोल रहा था? क्योंकि हम सब किससे पैदा हुए हैं, हम सब किससे पैदा हुए हैं। हाँ? और ऊंचा बताऊं, दूसरों को भी पता लगो, किससे पैदा हुए हैं? क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। और पापी इंसान कभी भी उसके साथ मिल नहीं सकता। इसलिए ये कर्म भी खुदा ने खुद किया कि हमारे पाप के लिए यीशु मसीह को भेजा और हमारे पाप की सजा यीशु मसीह के शरीर पर सुना दी। हाँ, हमने तो खाली विश्वास किया ना। जब मुझे भी इस रीति से उसने समझाया बताया, जब मैंने विश्वास किया पहले दिन ही, मेरी जिंदगी का वो 5 सालों से वो पहला दिन था जिस दिन मैंने नशा नहीं किया। सुनो फिर क्या हुआ। जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैंने ऐसी मेरे मन के अंदर कुछ चीज ठनकी। जैसे कई लोग तो बस काम होगा, ठीक हो, चलो हाँ और ठीक होगी, टड पे ठीक हो। कि लोगों का स्वभाव तो ऐसे ही, काम होगा चल ठीक है जी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे मन के अंदर एक चीज ऐसे ठनकी। मैं 5 सालों से अपनी धार्मिकता कर रहा था, मैं मांग रहा था, जीवन को मिल नहीं रहा था। इसने एक ही बार यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया है, एक ही बार मुझे बताया। और क्या चीज है कि उसने मेरे मन को ऐसे बदल दिया। बस यही चीज मेरे मन को छूगी और मैं उसकी खोज में लग गया। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, सीखने लगा, इसे समझने लगा, इसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई जात की बात नहीं है। हाँ बोलो क्या है? जैसे लोग धर्म जातों की बात करते हैं ना, यीशु मसीह कौन है, किसकी जात का, किसके धर्म का है, इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं लिखी। जब मैंने इसे पढ़ा, जाना, सीखा और इसकी खोज में लग गया, फिर मैंने मन बनाया, परमेश्वर कितनी बहनों के, हाँ जो उनके भाई हैं वो नशे से मर रहे हैं, कितनी माओं के जो बच्चे हैं, कितनी बहनों के जो पति हैं जो नशों के कारण वो नष्ट हो रहे हैं। तो मैंने एक ऐसे मन बना लिया कि परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, तेरे बारे लोगों को बताऊंगा, तेरी खुशखबरी लोगों को बताऊंगा। आमेन, हालेलुया।